नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देवाधिदेव महादेव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि। त्रिलोकीनाथ की कृपा से ही ये सृष्टि चलती है। महादेव की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और इस मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान महंत त्रिलोकीनाथ जी महाराज। महंत जी शक्ति विद्या के जानकार हैं और कांवड़िया सेना संगठन के संचालक हैं। देश भर में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो महंत जी से जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और कैसे करें शिव जी को प्रसन्न। और आपको एक खास बात और बता दें कि महंत जी बनारस से आते हैं, तो बनारस का खास महत्व है। शिव जी की नगरी है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि छोड़ फिक्र दुनिया की, चल बनारस चलते हैं। किस्मत जहां पर लोगों की, खुद महादेव बदलते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की, जय हो। लोग वहां जाकर सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और आप तो खुद वहां के हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, माँ विंध्यवासिनी और बाबा विश्वनाथ के गोद में पला और बढ़ा हूँ। आप लोग के स्नेह से, श्रेष्ठ भारत के स्नेह से आज जो शिवरात्रि की महिमा आपने पूछा है, तो नवरात्रि और शिवरात्रि यह ऐसी रात्रि है जो जागरण करता है उसको कई प्रकार से उसके पास पुण्य प्राप्त होता है। अब पुण्य प्राप्त करने का मतलब एक अच्छा अवसर यह है शिवरात्रि, दूसरा अवसर होता है नवरात्रि। और शिवरात्रि को जो व्यक्ति रात भर जाग के जागरण करके शिव जी को, क्या है शिव जी की जो शिवरात्रि है वो शादी की रात्रि, तो जो उत्सव मनाता है उसके यहाँ हमेशा उत्सव रहता है। जिस कन्या बिटिया का शादी नहीं हो रहा हो, शिवरात्रि पे 21 बेलपत्र, सुन लीजिए, 21 बेलपत्र चढ़ा देगी मनोकामना से, उसका उस कन्या की शादी वर तत्काल प्रभाव से निकलता है। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से, जबकि मैं ये सब नहीं बताता हूँ। तो ये आपने बताया अविवाहित कन्या के लिए, जरा विवाहित लोगों के लिए भी बता दीजिए कि क्या करना चाहिए जिससे शिव जी प्रसन्न हो और उसका फल मिले। जो जिसके कार्य में बाधा हो या किसी प्रकार वह प्रमोशन चाहता हो, तो जैसे जाके अपने बॉस को मनाता है, ऑफिस में जाता है, या जाके मंत्री संतरी को मनाता है, किसी ठेकेदार को मनाता है, वैसे कल उसको उसके आराध्य, उसके पूजनीय भगवान का दिन है। और शिवरात्रि के दिन अगर वह जाके व्यक्ति अभिषेक करेगा, जलाभिषेक करेगा, दूध दही मधु शक्कर अगर इससे वो अभिषेक करेगा, तो स्वयं उसके जो कुल देवता हैं प्रसन्न होंगे और महादेव की कृपा से उसको प्रोग्रेस ही मिलेगा। पंडित जी, कहा जा रहा है कि 300 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है क्योंकि 300 साल बाद सिद्ध योग, शिव योग और श्रावण नक्षत्र का योग बनने जा रहा है, जो बहुत ही खास बना रहा है इस बार की शिवरात्रि को। तो आपके हिसाब से क्या खास है इस बार? हर बार शिवरात्रि खास होता है, सिर्फ जानकारों के लिए। अब जानकार इस युवा पीढ़ी में जानकार बढ़े हैं। रामलला मंदिर बनने के बाद हर मंदिरों में और सनातन धर्मों में बढ़ोतरी हुई है, जानकारी के इच्छुक हो गए और सब इस समय अच्छे भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पंडित जी कहते हैं शिव है तो सब कुछ है, सब सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन में साकार करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? शिव जी को मात्र बताया ना, जलाभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते। और शिव जी को, अगर जो व्यक्ति शिव जी को जलाभिषेक नहीं कर पा रहा है, ओम 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 के बाद नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शांति से 21 बार भी कर लिया तो उसका जल अर्पण हो गया। ऐसे भगवान है महादेव। फिर भी हम चाहेंगे पंडित जी आप एक बार बताइए कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सामने से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो किस तरह से आप छोटे मोटे विधि जो लोग फॉलो कर सकें वो बता दीजिए। जो मैं तो बता दूंगा और जो पालन करते हैं उनके लिए तो सब कुछ सही है, लेकिन कितने लोग अंधकार में हैं जिनको पालन नहीं करते, तो जानने के बाद अगर गलती करते तो पाप डबल होता है। अगर मैं जो चीज़ जान रहा हूँ उसके बाद भी गलती करूँगा तो
अगर मैं नहीं जान रहा हूँ तो मुझे माफ कर दोगे, अगर जान रहा हूँ वही गलती करूँगा तो डबल पाप है। इसलिए मैं यह चीज़ मैं उस तरह से किसी सनातन धर्म को मैं बेचने नहीं बैठा हूँ, सनातन धर्म को समझाने बैठा हूँ, लोगों को साथ चलने के लिए बैठा हूँ आपके चैनल पर। इसलिए कि लोग ने बीच में जो बाबा बने बहुत लोग आए उनको ज्ञान नहीं था, हम ऋषि वंशी हैं, हम प्रमाणित नहीं करते कितने लोग महंत लगाते हैं, कितने महामंडलेश्वर लगाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उनको ज्ञान नहीं है क्योंकि उनको वो कुर्सी की वैल्यू ही नहीं मालूम है। हम तो सनातन ऋषि वंशज हैं, हम तो यहाँ भगवान, हमारे ऋषि वंशी जो हैं यहाँ भगवान का भी पूजा आराध्य को भगवान को बुलाए, हमारे ऋषि वंशी यहाँ पे कितने गिरिनामा दे दिए, कितने महामंडलेश्वर बना दिए, तो हम तो वो ऋषि वंशी, हमको किसी की प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम स्वच्छ होना चाहिए, हमारा विचार स्वच्छ होना चाहिए, हम अगर सही नहीं हम दूसरे को आचरण बताएं ये भी ठीक नहीं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, यानी सब मिला जुला के कि अगर श्रद्धा भाव भक्ति से आप कोई भी पूजा करते हैं तो वैसे ही वो फलित होती है। और देवाधिदेव महाराज ये तो परम पिता परमेश्वर हैं, इसीलिए उनको उनके लिंग पर जल चढ़ाया जाता है, न कि उनके शरीर चित्र पर चढ़ाया जाता। और पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकते हैं, तो जैसे भी अगर हम पूजा करें भाव से करें तो वो फलित होगा। तो आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए पूजा करते समय, और शिवरात्रि का पर्व कैसे मनाएं? खासकर ये ध्यान देना चाहिए कि काला वस्त्र और काला धागा पहनकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और माताएं और बहनें बुरा मत माने, अगर वह जल चढ़ाती हैं तो अगर शादीशुदा माँ है बहन है हमारी तो उनका घूंघट यहाँ तक होना चाहिए जल चढ़ाने समय, उससे जल स्वीकार होता है। चंडी बढ़ के अगर चंडी बन के जल चढ़ाती हैं तो जल स्वीकार नहीं होता। चलिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूजा का विधि विधान बताया और बड़ी अच्छी बातें भी बताई जिससे हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। सब मिला जुला के कि अगर श्रद्धा भाव भक्ति से हम कोई भी पूजा करते हैं तो वो फलित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और आपने पूरी चीज़ें हमें बताई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।